अचानक से चक्कर आ गया क्लास में मास्टर जी, लेकिन अब ठीक है, तुम एक बार ना उसका चेकअप करा लेना। मास्टर जी आप जानते हो मैं गरीब आदमी हूँ, अनपढ़ आदमी, मेरे घर से खा लेना वो। चलो चलो। अरे सुनो, जाना मुझे नहीं जाना। के साथ कौन है? हाँ जी बताइए। डॉक्टर आ गए जी। देखिए चिंकी का हालत बहुत खराब है, उसके दिल में छेद है, उसके कारण उसका हार्ट का ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। आपके समय बहुत कम है, पैसे का अरेंजमेंट कर लें या फिर डोनर को लेके आए। डॉक्टर साहब हम तो इतना गरीब हैं सर, हम पैसे कहाँ से लाएंगे? डॉक्टर साहब मैं कहते हैं मुझे घर बुलाता है भगवान है कहारे जी। अब घबराने की कोई बात नहीं है, मिश्री का हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया है। अरे बाहर एक गरीब फैमिली है, उसकी बच्ची का हार्ट में छेद है, उसे क्या मैं उस बच्ची को अपना हार्ट दे सकता हूँ? क्या आप सच में से काम करेंगे? हाँ सर, मैं मरते मरते भी अपनी देश की सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। आप जैसे पहले का सहयोग करूँगा। उनके एक माँ ने जान, इन्होंने एक माँ की। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, इज्जत कमाना चाहिए। जो काम करता है हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया। आखिर छिन गई औलाद उनकी।
कागज के टुकड़े कमाने के लिए। बहुत सी कहानियां आज इस मंच पर दिखाई गई और आगे भी दिखाई जाएंगी, पर क्या इन कहानियों का कोई अंत है अगर हम उन बच्चों को ना बचा पाए? सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश यह है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही हो गई भी आप, लेकिन आप चलनी चाहिए, आप चलनी चाहिए। Bye.
RJ, Fortune Foundation joins hands with many women to unveil the Little Hearts program to provide free treatment to children with congenital heart defects every year. Someone says right, hit the iron when it is hot and bother the people who come. This is the right time to apply this code in this auditorium and avail the people so that no poor child die without heart disease or health. Thank you. डॉक्टर साहब अंकिता के पैसों का इंतजाम हो गया है उसके ऑपरेशन के लिए।
इतने पैसे हैं? 1,30,000। लेकिन मैंने तो आपको 1.5 लाख बताए थे। डॉक्टर साहब इतना ही हो पाया? डॉक्टर साहब कुछ करने से मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल था। आप क्या अंकिता ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, आप 4 घंटे बाद उससे मिल सकते हो, 100 साल है। तुम्हारी बच्ची अब बिल्कुल ठीक है। सच में? हाँ, अब तुम्हें चिंता की कोई बात नहीं है। अरे मैं जैसा कि आज आप सभी ने देखा किस तरह से इस गरीब बच्ची की हम सब ने मिलकर मदद की, जिस कारण उसकी जान बच सकी। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से छोटे गरीब बच्चे होते हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं हो पाता, जिस कारण उनकी जान चली जाती है। आइए आज हम और आप सभी ये प्रण लेते हैं कि हम इस तरह के गरीब बच्चों की सहायता करेंगे और उनका जीवन बचाएंगे। धन्यवाद। चलो देखते हैं, बाबूजी कह रहे थे कि एनजीओ वाले हम जैसे बेसहाराओं की मदद करते हैं। राम राम जी। नमस्ते, बताओ। साहब मेरा छोटा लड़का है जिसको दिल की बीमारी है और डॉक्टर साहब कह रहे थे कि उसकी सर्जरी करानी पड़ेगी। अच्छा, उसकी इलाज की आवाज है आपके पास? हाँ साहब, ये ले। केस कुछ पीड़िये करके है, पता नहीं पीड़िये होता क्या है। पीड़िये? देखो पीड़िये में क्या होता है, इसमें दिल से फेफड़ों और शरीर के लिए निकलने वाली रक्त ध्वनियों को आपस में जोड़ता है, जो कि जन्म से पहले खुला होता है और जन्म के बाद बंद हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चों में यह बंद नहीं होता है, जिसकी वजह से बच्चा सांस नहीं ले पाता है, उसके पैर नीले पड़ जाते हैं, वजन नहीं बढ़ता है और उसका ठीक से विकास नहीं होता है। अगर इलाज ना हो तो बच्चे की मौत भी हो सकती है। इस केस में जरूर करेंगे। मैडम इसे कितना खर्चा आ जाएगा? इसमें खर्चा यही कोई 2 लाख। देखो हमारे कुछ कंडीशंस हैं, हम सिर्फ 20% दे सकते हैं। ठीक है साहब। परंतु मेरा सोनू ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ हाँ ठीक हो जाएगा। बाबूजी। हाँ भाई, क्या हुआ, कुछ मदद मिली, कुछ बोले एनजीओ वाले? बाबूजी उन्होंने तो कहा है कि 20% देंगे हमें सर्जरी के लिए। अच्छा, तो हमारे सोनू की सर्जरी तो हो पाएगी? हाँ बाबूजी। ठीक है फिर, जा तू रोटी खा ले। सुनो। हाँ? मैंने आज एनजीओ वाले से अपनी सोनू की सर्जरी के बारे में बात की है। हाँ जी, क्या बोले हो? वो हमारे सोनू के लिए पैसे देंगे? उन्होंने तो सिर्फ कुछ पैसे देने के लिए बोला है और भगवान की कृपा से हमारे सोनू की सर्जरी सोमवार में हो जाएगी। एनजीओ ने तो इनको मदद की आस दिखा दी, पर फिर भी क्या इनके समस्या का समाधान अभी मिलता है? ओ, अरे भैया मरगो। अजी सुनते हो? हाँ, ये क्यों हो गया? अरे हमारे बच्चे को दिल में दर्द हो रहा है। अगर अब अपने बच्चे को हंसता खेलता देखना है तो हमें इसके लिए कुछ करना होगा। मैंने इसके इलाज में अपनी दुकान बेच दी, जो मोटी गाड़ी थी वो भी बेच दी, बाबूजी कुछ करिए ना हमारे बच्चे के लिए, हमारे पास एक ही बच्चा है। हाँ कोई बात नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है तो मेरे पास 2 किडनी है। कैसी बातें करते हो बाबूजी, किडनी से क्या होगा, ऊपर से आप अपनी उम्र का ख्याल तो करिए। हाँ डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि इंसान एक किडनी पर भी जिंदा रह सकता है। सोनू मेरा बच्चा। मैं अपनी एक किडनी बेच दूंगा और उससे हम अपने सोनू का इलाज कराएंगे। हे भगवान, क्यों इतने दुख दे रहे हैं, क्यों? एक तो बच्चा दिया उसे भी ऐसी बीमारी, और एक ऐसी सरकार इस धरती पे छोड़ी हुई है कि इलाज के लिए भी। जैसे कि हम सबने आज अब तक देखा, माँ बाप परिवार वाले अपने बच्चे के इलाज के लिए, उसकी जान बचाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का बल लगाते हैं, कितना मेहनत समर्पण और बलिदान करते हैं। ऐसे ही मैं आप हम सब लोग
मदद ऐसे लोगों की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाएं।